बिल्कुल, माइनॉरिटी सेल का सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस की तरफ से। 25 साल हो गए मुझे माइनॉरिटी सेल चलाते हुए। हम जब मनमोहन सरकार थी हिंदुस्तान में, उस वक्त हिंदुस्तान ने हमें 6000 पोस्ट दिए मनमोहन सरकार ने। उस वक्त सरकार थी फारूक साहब, उमर साहब और कांग्रेस की। उस वक्त हमारे पास 2-3 हज़ार पोस्ट मिले 2010 में। हम आए जम्मू से, हमारे बच्चों ने ज्वाइन किया यहाँ, और यहाँ के मुसलमानों से खुशदिली से हमारा इस्तकबाल किया, हमारा इज्जत दिया, हमारा मान दिया। अब हमारे मसले ये है, 6000 पोस्ट हमारे थे, 6000 में टोटल 4000 फिलअप हो गए, 2000 अभी बैलेंस है। जब 90 में हम जम्मू गए, 25000 मुलाजिम हम रिटायर हुए हैं। जब यहाँ सरकार स्टेट में थे, हमें साल में 10% मिलते थे। इस वक्त हमारे पास कोई सुविधा नहीं रहने के लिए, हम किराए पर रहते हैं। अब हम एक अपील कर रहे हैं मोदी साहब से। आप कहते थे अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए, खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए। जिन कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में कम से कम 3-4 लाख वोट इस सरकार को दिया, वो वोट देकर भी हम परेशान हैं। और इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे मसले हल करें। हमारे बच्चे यहाँ किराए पर हैं, उनको अकोमोडेशन दीजिए। आपके अब क्वार्टर भी खाली हो रहे हैं, जो सरकारी मुलाजिम दरबार में गुलाब सिंह ने 1972 में रखा था, ये भी मोदी ने ख़त्म किया। ये बीजेपी जो हमारी सरकारें हैं, ये जुल्म बरसा रहे हैं हम माइग्रेंटों पर। और यहाँ के जो डेली वेजर है, मुस्लिम भाई कैजुअल लेबर है, उनका तनख्वाह नहीं है। ईद आने वाले हैं, उनको तनख्वाह दीजिए, उनका मसला हल कीजिए, उनको मुस्तकिल कीजिए। अगर आपने दफ़ा 370 उठाया, 35A उठाया, हमारे मुँह से छीने अपने रोटी, उसके लिए हमारे यहाँ जो ये पार्टियाँ हैं, NC है, पैंथर्स है, BJP है, कोई है, वो जाने, मगर मसाइल हल कीजिए जो बच्चे यहाँ दरबदर है। ये कश्मीर वो स्टेट है, 6 महीने यहाँ बर्फ़ होता है, यहाँ का बच्चा दिल्ली नहीं जा सकेगा प्राइवेट। 1.5 लाख नौकरियाँ हमारे स्टेट में खाली है पोस्ट। आप कश्मीरी माइग्रेंट पंडित से? हाँ। अब आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है, एक तो हमारे एडजस्टमेंट यहाँ कीजिए, हमें जगह दीजिए, क्वार्टर दीजिए रहने के लिए। और 2010 में जो प्रमोशन निकले, हमारे माइग्रेंटों के एक प्रमोशन नहीं निकले, वो भी बंद है। सरकार हिंदुस्तान ने वादा दिया था आपको जम्मू कश्मीर में बसाएंगे, आपके जगह नई डिस्ट्रिक्ट वाइज बसाएंगे, हर जगह आपको जगह मिलेगी, और आपके कम से कम 6000 नौकरी देंगे। आप फिलहाल दिए 4000, अब जो 2000 परसों पोस्ट निकले, उनको कहते आप बेसिक पे पर काम करो, बेसिक पे उनका बनेगा 12000। यहाँ एक सेट का किराया है राजबाग में 10000-12000। इसलिए हम इस सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक महीना दे रहा है, एक महीने के बाद कश्मीरी सारे सड़कों पर आएंगे, जो माइग्रेंट बच्चे उनके माँ बाप हर एक। मैं भी महजूर नगर में इस वक्त किराए पर हूँ, 6000 सेट का दे रहा, क्योंकि वो भी मजबूर है किराया लेने वाले। अच्छे दिन हमारे नहीं आए, हमारे बुरे दिन आ गए। ये जो झेंड के है, ये बर्बाद हो गया। हमारे 1.5 लाख पोस्ट अगर खाली है, क्यों नहीं ये देते हैं? क्यों नहीं उनमें ये जम्मू के कश्मीर के बच्चे एडजस्ट करते हैं, जम्मू के, डोडा के, राजौरी के? शुक्रिया सर, शुक्रिया।